बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। एंड दिस फिजिकल प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको स्टूडेंट्स पता है कि जब भी हम किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनाइन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इस इक्वेशन में देख रहे हैं, फ्लोरीन जो है वो न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन यानी एक एनायन में चेंज हो गया। अब इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह से हमने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये क्लोराइड आयन में चेंज हो गया, जो एनर्जी रिलीज हुई इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आपने ये भी पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हम किसी न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आप देखें, यहाँ ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये ऑक्साइड ऑक्सीजन -1 आयन बन गया और इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई जो कि है -141 किलो जूल पर मोल। अब जब इसी वाले आयन में, ऑक्सीजन -1 वाले आयन में हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अब ये भी नेगेटिव है और ये भी, तो ये दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और 780 किलो जाउल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। यानी जब सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब एनायन में हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यूजुअली जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस वक्त ज़्यादातर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि यूनी नेगेटिव आयन में जब हम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कभी नेगेटिव है यानी एनर्जी रिलीज हुई है, कभी पॉजिटिव है यानी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब दोनों केसेस हो सकते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एटम। ठीक है, एटम को ऐड हो या गैसीयस आयन को टू फॉर्म नेगेटिव आयन, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी की जो है वो तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ख़ास तौर पे अगर हमारे पास जो एटम है वो पहले से स्टेबल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, यानी उसका जो शेल है वो पूरी तरह फिल है या वो पार्शली फिल्ड है। मैंने आपको बताया था ना कि दो सूरत में इलेक्ट्रॉनिक शेल स्टेबल होते हैं, या वो कम्प्लीटली फिल्ड हो या वो हाफ फिल्ड हो, पूरा भरा हुआ या आधा भरा हुआ, उस सूरत में उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जब किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो तो उस वक्त उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है फिर उस केस में पॉजिटिव होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। उसकी एग्जांपल भी मैं नीचे आपको कराऊंगी, जैसे कि बेरिलियम की फैमिली जो है, बेरिलियम वाला जो ग्रुप है, आपको मैं पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, ये हमारे पास बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, मैग्नीशियम की 3 जो है इसकी है 3s2, कैल्शियम की 4s2 5s2 6s2 7s2, यानी इनकी एज अ होल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इनका वैलेंस शेल जो है वो
एस है, वैलेंस ऑर्बिटल एस है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम की 2s2, मैग्नीशियम की 3s2, कैल्शियम की 4s2, स्ट्रॉन्शियम की 5s2 एंड सो ऑन। तो एज अ होल इस ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कहेंगे ns2। n जो है वो नंबर है वैलेंस शेल का, बेरिलियम के लिए ये नंबर 2 है, मैग्नीशियम के लिए ये नंबर 3 है, कैल्शियम के लिए 4 है एंड सो ऑन। तो जो बेरिलियम वाली फैमिली है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्योंकि ns2 है, s ऑर्बिटल जो है आपको पता है कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो दोनों बेरिलियम वाली फैमिली में मौजूद हैं। तो ये s ऑर्बिटल इतना स्टेबल है कि इसमें जो p, इसका p ऑर्बिटल खाली होता है उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है क्योंकि s ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जब हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। यही वजह है कि जो बेरिलियम फैमिली है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर हम नोबल गैसेस की बात करें, ये आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इनके वैलेंस शेल फिल हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नियॉन की जैसे है वो है 2s2 2p6, एस भी फिल है पी भी फिल है, इसी तरह ये बाकी सबके भी एस और पी फिल हैं। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो मुश्किल है और ये उसको सपोर्ट नहीं करते। इस चीज़ को जो है अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप नीचे इस टेबल में देख सकते हैं, ये देखें पीरियोडिक टेबल में आप देखें कि जब हम हाइड्रोजन के मुकाबले में आते हैं नेक्स्ट हीलियम पे, तो हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -73 जबकि हीलियम की है +21। यानी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 73 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी जबकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें 21 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हीलियम का वैलेंस शेल कंप्लीट है, वो पहले ही स्टेबल है, तो उसमें अगर हमें एक्स्ट्रा जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। इसी तरह से आप देखें कि अगर आप नेक्स्ट पीरियड में देखें तो आप देखेंगे कि लिथियम के बाद बेरिलियम है, लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है -60 यानी 60 किलो जूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज होती है जबकि बेरिलियम की है +240। +240 का क्या मतलब है कि बेरिलियम का वैलेंस शेल जो है उसमें 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बल्कि आप देखें बेरिलियम की जो पूरी फैमिली है, इस पूरी फैमिली की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इसी तरह से नोबल गैसेस में भी क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट है, ठीक है, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड करने के लिए इनको एनर्जी देनी पड़ती है। बाकी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ये आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज नेगेटिव हैं, सिर्फ बेरिलियम फैमिली की पॉजिटिव है और दूसरे जो है वो नोबल गैसेस की पॉजिटिव है। क्यों? नोबल गैसेस का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है और बेरिलियम के भी एस ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट है, तो वो कंप्लीट है और स्टेबल है, इस वजह से इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है। अब इसका जो है वो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये बेसिकली डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम पे, न्यूक्लियर चार्ज पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। साइज ऑफ एटम क्या है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। तो अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होती है। यानी आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, ये आप देखें कि यहाँ ये पहला हमारे पास ग्रुप है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें जब हम हाइड्रोजन पे जाते हैं -73, -60, -53, -48, -47, -46 एंड -44 किलो जूल पर मोल। तो टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। ये क्यों कम हो रही है? क्योंकि नीचे जाते हुए एटम का साइज बड़ा हो रहा है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही
कम होगी, ठीक है। और इसी तरह से आप हैलोजन फैमिली में भी देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम जो है वो पीरियोडिक टेबल में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस में और आने वाले इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस कम अट्रैक्शन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखें नेक्स्ट, अगर तो इसका पीरियड में आप ये आप देख रहे हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड है। तो आप देखें अगर हम लिथियम वाले ग्रुप की बात करें, ये हमारे पास लिथियम वाला पीरियड है, तो लिथियम के बाद आप देखें बेरिलियम की कम हुई है, बोरॉन कार्बन की ज़्यादा है, नाइट्रोजन की फिर कम हो गई है, ऑक्सीजन फ्लोरीन की फिर ज़्यादा है। तो हमें देखने में कोई ये रेगुलर ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, यानी जब हम पीरियोडिक टेबल में लिथियम से आ रहे हैं बेरिलियम पे, ये लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, तो ये जो ग्राफ है ये इरेगुलर सा ज़िगज़ैग सा बना हुआ है। इसकी वजह क्या है कि इसमें ये इरेगुलरिटी जो आती है ये क्यों आती है, ये इरेगुलरिटी अगर आप देखें तो ये बेरिलियम पे आती है और नाइट्रोजन पे आती है, तो ये क्यों आती है, या फिर आखिरी मेंबर नियॉन जो है उसकी भी बहुत कम है, तो ये क्यों आती है, क्योंकि बेरिलियम के भी जो है आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में, बेरिलियम का एस ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फेल्ड है इसलिए ये स्टेबल है। नाइट्रोजन जो है उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, और नाइट्रोजन के 2p में है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये नाइट्रोजन का 2p है, p ऑर्बिटल में आपको पता है कि मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नाइट्रोजन के 2p में है 3 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है, ठीक है। जैसे आप समझ लें कि पानी का ग्लास आधा हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो ऑर्बिटल जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरिलियम के केस में है, या फिर हाफ फिल्ड हो जैसे नाइट्रोजन के केस में। दोनों केसेस में ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। यही वजह है कि इन दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है, बाकी जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजाफा होता है सिवाय इन दो मेंबर्स के, कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है। इसी तरह से इस ग्रुप के एंड पे जो सेकेंड पीरियड है उसके एंड वाला जो मेंबर है हमारे पास यहाँ पे, ये है नियॉन, इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन वगैरह के मुकाबले में कम है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस शेल भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो तीन हमारे पास अनयूजुअल बिहेवियर जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो नज़र आते हैं। बेरिलियम, क्योंकि इसका एस ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, नाइट्रोजन इसका पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और नियॉन इसका पी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ जो हैं वो कम है, बल्कि पॉजिटिव में है, बाकी सारों की नेगेटिव में है। लेफ्ट से राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजाफा होता है सिवाय बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन के, क्योंकि इनके वैलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं वो या तो हाफ फिल्ड हैं या फिर कम्प्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं और उनमें नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है। ये थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।